खबर अंबाला कैंट की है जिथों के सरकारी हस्पताल विच सेहत विभाग अंबाला ने दिल के मरीजों नूं एक भारी सौगात दिती है। अंबाला कैंट दा सिविल हस्पताल पहला अजिहा सरकारी हस्पताल बन चुका है जिथे सारियां सुविधावां नाल भरपूर आधुनिक हार्ट केयर कैथ लैब स्थापित हो चुकी है। अंबाला कैंट दे सिविल हस्पताल विच हार्ट केयर कैथ लैब दा उद्घाटन सेहत मंत्री अनिल विज ने करके अंबाला दी जनता नूं सौगात दिती है। सरकारी अस्पताल जाने जाते थे खाली पट्टियां करने के लिए, लेकिन बहुत बड़ी उड़ान भरी है हरियाणा के सिविल अस्पतालों ने। इसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद आज हिंदुस्तान के किसी भी सरकारी सिविल अस्पताल का पहली कैथ लैब यहां पर खोली गई है और अत्याधुनिक कैथ लैब खोली गई है। जो मशीनरी मंगाई गई है हॉलैंड से मशीनरी आई है, फिलिप्स की मशीनरी है, हिंदुस्तान में इसके मुकाबले की मशीन नहीं है। इसमें 11 बेड का आईसीयू भी स्थापित किया गया है। सिविल अस्पतालों में आईसीयू भी नहीं होता और इसमें जो लेटेस्ट वेंटिलेटर है वो इसमें प्रोवाइड कराया गया। बकायदा सभी बेड्स के ऊपर मोनिटर हैं और बाजार से बहुत सस्ते दाम पर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी यहाँ पर की जाएगी। स्टंट जो है लगभग 46,000 रुपए में यहाँ पे स्टंट डाला जाएगा, जो बाजार में 2-2.5 लाख रुपए में डलता है। बाकी सारी सर्विसेज भी दी जाएंगी, ओपीडी भी दी जाएगी और बाकी जो इसके टेस्ट होते हैं हार्ट के वो सारे यहाँ पर किए जाएंगे। पंचकूला, फरीदाबाद, गुड़गांव, वो कब तक हो जाएंगे? पंचकूला तो लगभग तैयार है, फरीदाबाद और गुड़गांव में अभी 2 महीने लग सकते हैं। एक्चुअली मैं अर्धेंदुपुर का ही रहा हूँ, फ्रॉम कैलकाटा। एक्चुअली दिस इज कम ऑपरेटेड बाय मेडिट्रीना हॉस्पिटल, ये ऑपरेट कर रहा है। एक्चुअली ये फ्रॉम केरला से ऐसे तो इधर हम लोग जो फैसिलिटी दे रहे हैं, जो एंजियोग्राफी हार्ट का जो बीमारी होता है, हार्ट का जो इलाज करने के लिए एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी जिसको स्टेन डालते हैं हम लोग, बेसिकली वो एंजियोप्लास्टी बेलून सर्जरी बोलते हैं उसको। हार्ट का बंद हो जाता है उसको हम के लिए हम लोग पेसमेकर भी डालते हैं इधर।